करंटली फ्री फायर एक करेक्टर फैक्ट्री बन चुकी है, जहाँ पे हर महीने में एक नया करेक्टर गेम के अंदर देखने को मिलता है। इन नए करेक्टर्स की वजह से गेम का पेस और गेम का मेटा बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। अब आने वाले OB46 पैच अपडेट में हमें लीला मिलने वाली है, जो गेम के पेस को काफी तक चेंज करेगी। एक्चुअल में बात करते हैं कि इससे ओवरऑल गेम पे क्या इफेक्ट आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एबिलिटीज के बारे में। देखिए, अगर आप किसी एनिमी को हिट करते हो राइफल के साथ, इसकी एबिलिटीज ओनली राइफल तक सीमित और एक पैसिव स्किल होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर आप राइफल के साथ किसी भी एनिमी को हिट करते हो तो उसकी मूवमेंट स्पीड 10% स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो स्लो दौड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी व्हीकल पे फायर करोगे राइफल के साथ तो 50% उसकी मूवमेंट स्पीड स्लो हो जाएगी, और ये इफेक्ट ओनली 3 सेकंड तक रहेगा। अब एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे तो ये 3 सेकंड का इफेक्ट मिड रेंज के अंदर उतना यूजफुल नहीं है, पर अगर आप किसी एनिमी को नॉक डाउन कर लेते हो तो वो 3 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा उसी जगह पे। ये काफी काम की चीज होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा इस टाइम पे मिड रेंज के अंदर काफी सारे कवर्स मिल जाते हैं प्लेयर्स को, और गेम के अंदर हर एक लोकेशन को रिवैम्प कर दिया गया है, तो हर एक कवर कुछ कुछ दूरी पर आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से कई बार एनिमीज रिवाइव हो जाते हैं, हमारे किल कंफर्म नहीं होते हैं। तो वहां पे आप इजीली किल कंफर्म ले सकते हो कि एबिलिटी के अंदर अगर यहां पे आप किसी को किल कर दे तो आपको एक ग्लू वॉल एक्स्ट्रा मिलेगी। करंट गेम मेटा के अकॉर्डिंग अगर आप हायर लॉबीज के अंदर रैंक पुश कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा मशीन गन्स का यूज करते हो, जो काफी तेजी से ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड करंटली अगर हम बात करेंगे तो पिछले पैच अपडेट के बाद ग्रीन ऑफ फ्री फायर ने FGL24 और कई सारी चीजें ऐसी कर दी हैं, जिसकी वजह से जो ग्लू वॉल्स हैं वो थोड़ा सा कमजोर हो चुकी हैं। तो इसके अंदर जो आपको एक एक्स्ट्रा ग्लू वॉल मिलेगी हर एलिमिनेशन के बाद, वो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप ऊपर ग्राउंड्स में लगातार मूव कर रहे हो और फाइट ले रहे हो तो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा बफ मिल जाएगा। आप किल्स के बाद भी ग्लू वॉल्स लोगे और हर एक किल के बाद एक्स्ट्रा ग्लू वॉल भी लोगे। आप इसको ऐसा मत देखो, ये करेक्टर हमारी जो होने वाली है प्लेयर्स के लिए नहीं बनी है, ये एक्चुअल बनी है व्हीकल्स के लिए, क्योंकि वहीं ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल लिया है। करंट गेम मेटा को अगर आप ढंग से फॉलो अप ले रहे होंगे तो आपको पता होगा कि व्हीकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। लास्ट ग्राउंड के अंदर हायर लॉबीज के अंदर हमें ओनली व्हीकल्स नजर आते हैं, मतलब 5-6 व्हीकल होना तो बहुत लाजमी है कि 5-6 प्लेयर्स व्हीकल यूज कर रहे हैं। उस टाइम पे कोई ऐसा करेक्टर जो व्हीकल्स को 3 सेकंड के लिए स्लो डाउन करेगा तो आप इजीली उस व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर पाओगे, या फिर दूसरे एनिमीज या फिर आपके टीममेट्स भी उस पर जल्दी इजीली टारगेट कर पाएंगे। तो ये काफी काम की चीज होने वाली है। 10 सेकंड के अंदर ये कूल डाउन खत्म हो जाता है, बहुत छोटा कूल डाउन है, मुझे अच्छा लगा ये चीज देख करके। अल्टीमेटली काफी अच्छी करेक्टर है, पर इतना बड़ा गेम के अंदर इफेक्ट नहीं डाली, क्योंकि एक पैसिव स्किल होने वाली है। अगर आप इसको स्लॉट में लेकर के घूमते भी हो तो आपके गेम प्ले पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा, बट ऑफकोर्स कई सारी सिचुएशंस पे ये करेक्टर आपको काफी अच्छी हेल्प कर सकती है। व्हाट डू यू थिंक? अब आपका क्या कंक्लूजन है इसके ऊपर मुझे जरूर से बताइए कि आप इसका यूज करोगे या नहीं करोगे, या फिर बेकार लगे आपको।